और अब बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की। भगत सिंह की 109वीं जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। शहीद भगत सिंह के गांव खटखट कला में आज पंजाब सरकार की तरफ से खास कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। भगत सिंह के जन्म दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शहीद भगत सिंह के गांव खटखट कला में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां उनका पुश्तैनी घर और नवाशहर फगवाड़ा रोड पर एक स्मारक भी बना है। म्यूजियम में उनके जीवन और परिवार से जुड़ी वस्तुओं को रखा गया है। शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच रहे हैं। इस लिस्ट में संगरूर के यमुना दास भी शामिल हैं, जो बीते कई सालों से पैदल खटखट कला पहुंचते हैं। यमुना दास ने युवाओं से अपील की है कि शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलें और नशे से दूर रहें। उन्होंने देश को काले अंग्रेजों से आजाद कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। आके मैं सरदा ना मत्था टेकदा, मेरी आत्मा च रोम रोम च ना भी ताकत आउंदी आ। मैं कहना साडे काले अंग्रेजां नूं सुधारो, खाका साडे मुल्क नूं बोदा करदा, खोखला करदा। वहीं युवाओं का मानना है कि शहीद भगत सिंह जी का पूर्व स्वराज का सपना पूरा नहीं हुआ है, जिसे युवाओं को आगे बढ़कर पूरा करना होगा। जिस पूर्ण स्वराज की उन्होंने सोच रखी सी, शायद साड़ियां सरकारां वो सोच नूं पूरा नहीं कर सकियां। पिछले 70 साल हो गए साड़े देश नूं आजाद होया नूं, लेकिन अज भी जो सपना भगत सिंह ने देखा सी, शायद वो पूरा नहीं हो सकिया। भगत सिंह जी ने बचपन का कुछ वक्त खटखट कला में बिताया था, जबकि उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और उनकी माता विद्यावती काफी समय तक यहां रहे थे। नवाशहर से जोवनप्रीत भांगल, जी मीडिया। अब बात करते हैं शहीदों के परिवार की। 1965 और 71 के युद्ध में शहीदों के परिवारों ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के भरोसे के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। शहीद परिवारों ने मुख्यमंत्री को एक बार फिर मांगे पूरी करने का वादा याद दिलाया। 1965 और 1971 के शहीद फौजियों के परिवार अपनी मांगों को लेकर संघर्षशील है और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मोर्चा लगा दिया है। इन परिवारों का आरोप है कि सीएम ने उनको एक महीने में उनकी मांगे पूरी कर जमीनें देने का वादा किया था, लेकिन अब वादे वफा नहीं किए गए। साथ ही उनका कहना है कि उनकी मुश्किलें जल्द सुनी जाएं और मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो वो अपने संघर्ष को और तीव्र कर देंगे। ने 11 अगस्त नूं असीं पहला मिले सी बादल साहब नूं, उन्हां ने कहा सी भई असीं एक महीने दे अंदर अंदर उन्हां नूं असीं 10 एकड़ जमीन देवांगे। जे साडे कोल 10 एकड़ जमीन नहीं दित्ती जांदी हैगी किसी कारण भी, ते फिर असीं उन्हां नूं कंपनसेशन देवांगे। एक महीने का टाइम था सीएम साहब ने, तो हूँ 1.5 महीना हो चुका जी, कुछ भी नहीं होया। जो असीं किसी भी अफसर साहबान फोन करते हैं या उन्होंने दफ्तर के जाने तो सूँ यही कहा जाता कि असं कर रहे हैं, तो सूँ तो इंज लगता भी टाइम लंघाया जा रहा, करना करोना तक यही नहीं आई। हूँ असं इतने सीएम हाउस के अगर धरने पर बैठे हैं, असं उदों तक बैठा जो तक सूँ साढ़े हक नहीं मिलते। तकरीबन 10 वारी आ चुके हैं, असं गरीब परिवारों के बच्चे हैं, असं इन्नी दूरों चल के किमें आईए, क्योंकि इन्हों तो ये चीज़ महसूस नहीं होंगी, पर सूँ तो होंगी है ना भी असं रोज़ बसा धक्के खाते फिरते हैं। असी एक उन्हों कौम के रखवालिया के बच्चे हो के असी सड़क पर आईए, तो साढ़े हूँ जो जवान शहीद हो चुके हैं उन्होंने लिए साड़ी गौरमेंट कह रही है भी असं इस तरह करा, जवान जे आ वो आ। वहीं अकाली दल की ओर से शहीदों के परिवारों को किए हर वादे को पूरा करने का दावा किया जा रहा है। तो वो जी कमेटी है, वो मीटिंग जी है पहला भी हो रही, तो हम एक दो मीटिंग होर होनी छेती। असी इन्हों अश्योरेंस दिता है कि वह असी बहुत जल्दी करके फॉर्मैलिटी जो इन्हों लैंड देती जाएगी। ये परिवार उन शहीदों के है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और अब इन परिवारों को अपने हकों के लिए सरकार के आगे एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। शहीदों के परिवारों की ओर से अपने साथ किए गए हर वादे को अमली रूप देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।